गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज आशी एंड यहां हम बात करते हैं बजट फैशन लेटेस्ट लाइफस्टाइल अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में। सो टाइटल समझ आ रहा होगा कि आज की वीडियो ऑल अबाउट लहंगा स्टाइल। सो रिसेंटली मैं एक वेडिंग फंक्शन में गई थी जिसके पिक्चर्स आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो आज मैं उसी की स्टाइलिंग की सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उस लहंगे के बारे में, उसकी स्टाइलिंग के बारे में एंड उस कम्प्लीट लुक के बारे में। सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। अब उसके बारे में, उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में यहाँ बात करेंगे, इंक्लूडिंग मेकअप, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी एंड नो एवरीथिंग। सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, प्लस ये शेयर करूँगी कैसे सोच के मैंने उसको एक कम्प्लीट स्टाइलिंग लुक दिया था। सो नाउ और टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की स्टाइलिंग टिप्स एंड आइडियाज़ के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपना लहंगा, इसके बारे में मतलब बताती हूँ कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रख के, जिनको कंसीडर करके मैंने इसको पूरा स्टाइल दिया था, कंप्लीट गेटअप को डिसाइड किया था कि मुझको इसको कैसे स्टाइल करना है। इस लहंगे का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक प्लस गोल्ड के कॉम्बिनेशन में, इन दोनों कलर्स के अलावा इसमें कोई तीसरा कलर इन्वॉल्व नहीं था। तो मैंने जो सारा लुक जो डिसाइड किया, जो ज्वेलरी वगैरह पहन करी, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हमें गोल्ड के अलावा सिल्वर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। सेकंड पॉइंट है इसका ब्लाउज। उसका ब्लाउज जो है वो थोड़ा सा शोल्डर से शीयर है एंड उसमें भी गोल्डन वर्क है, तो वहाँ भी ब्लैक और गोल्डन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं था। थर्ड आ गया इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा थोड़ा स्ट्रेच टाइप का है, तो दुपट्टे में भी यहाँ पर शोल्डर पे थोड़ा सा गोल्डन कलर का वर्क है एंड बाकी प्लेन ऑलरेडी डला हुआ दुपट्टा है, तो उसको मैं इस जैसे डाला है। उसके अलावा किसी और स्टाइल में तो डाल ही नहीं सकती थी, तो उसमें चेंजेस करने का कोई पॉइंट नहीं था। बट इससे ओवरऑल ये समझ में आया कि इसमें जो कलर है वो ब्लैक और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपके पास भी कोई भी ब्लैक और गोल्ड कलर के कॉम्बिनेशन में लहंगा है या फिर प्लेन ब्लैक है, तो उसको भी आप सिमिलर वे में स्टाइल कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं मेकअप की। अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आई मेकअप एंड लिपस्टिक का कलर। मतलब मैंने आई थिंक जितनी भी मेकअप वीडियोज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम प्रो नहीं हूँ मेकअप में। जस्ट जनरल बेसिक मेकअप करना जानती हूँ, जिसमें मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक लग जाती हूँ। सो वही आई मेकअप और लिपस्टिक का शेड के बारे में बताऊँगी कि मैंने कैसे उसको सिलेक्ट किया था। सो जो मैंने अभी मेकअप किया हुआ है वीडियो को शूट दोबारा से शूट करने के लिए, यही वाला आई मेकअप मैंने उस टाइम पर किया था। सो सबसे पहले देखते हैं मैंने मेकअप में क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे उसको सिलेक्ट किया था और कैसे उसको अप्लाई किया। सो अब मेकअप की बात करें तो ये है मेरा पेस्ट जो मैंने रेडी कर लिया है एंड मैं दिखाती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए। सबसे पहले मैंने लगा एलोवेरा जेल क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मैं उसको प्राइमर की तरह भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद कंसीलर एंड फाउंडेशन मैंने मिक्स की, ये क्रीम फॉर द स्पार्कल एंड ये सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ अब देख बढ़ते हैं आई मेकअप की साइड। सो सबसे पहले मैंने उसमें यूज़ किया ये लाइट कलर, ये ग्लैम 21 की पैलेट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादातर मैं पार्टी में जाती हूँ तो एक ही पैलेट कैरी करती हूँ जो सारे नॉर्मली बेसिक आउटफिट्स के साथ चल जाती है। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा बेसिक और न्यूड से कलर का आई शेडो है जिसको मैंने ऐसे कॉर्नर से अप्लाई किया दोनों आँखों पर। मेरा लहंगा ब्लैक कलर का है तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का इसमें एक था डार्क ब्राउन काइंड ऑफ शेड था, तो इसको मैंने ऐसे कॉर्नर से अप्लाई किया एंड इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक अप्लाई करेंगे वापस अब पहले वाले कलर को लेके आगे की साइड से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था। तो इनको ऐसे दोनों साइड से पूरा एंड तक मिक्स करती जाऊँगी तो जो कलर्स होंगे ना आपस में मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। एंड में यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर का स्पार्कल है जिसको मैंने ऐसे कॉर्नर से आधी लिड्स तक लगाया है ऐसे। इसको मैं बताऊँगी कि फिंगर्स की हेल्प से लगाएं, बहुत अच्छे से लगता है, बहुत ही परफेक्टली लगता है। एंड नाउ यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के स्पार्कल को इस ब्रश के साथ लिया है एंड इसको आईज़ के कॉर्नर पे लगाऊंगी, नीचे की साइड भी एंड ऊपर की साइड भी, थोड़ा सा परफेक्ट लुक देगा। इसके बाद आईलाइनर, ये आईलाइनर इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड इसके बाद काजल, काजल को लगाने के बाद जिस ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्मच कर लेंगे तो ज़्यादा क्लीन लुक आता है। एंड नाउ इसके बाद लगाएंगे हम मस्कारा। एंड लास्ट मैंने लगाई थी रेड, डार्क रेड कलर की लिपस्टिक, क्योंकि ब्लैक लहंगा तो उसके साथ कंट्रास्ट में बहुत ब्यूटीफुल लगती है, स्पेशली रात के फंक्शंस में। एंड अब मैं हाइलाइटर की बात करूँ तो लाइट गोल्डन कलर का मैंने हाइलाइटर चूज़ किया था क्योंकि लहंगे में एज आई सेट गोल्डन वर्क था एंड इससे मैं हाईलाइट करूँगी ब्रो बोन्स एंड अपनी चीक बोन्स एंड नोज। तो ये सारा ही एरिया जो होता है हमारा हाईलाइटर से हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चेहरे को परफेक्शन एंड ग्लो देता है। सो टाडा आई एम रेडी। यहाँ ही मैं पूरा मेकअप कर ली, वही मेकअप जो मैंने उस लहंगे के साथ किया हुआ है एंड इसको करना भी बहुत ईजी है।
सो ना हमने मेकअप देख लिया, हमने लिपस्टिक देख ली कि किस कलर का मेकअप मैंने आई मेकअप मैंने किया था, किस कलर की लिपस्टिक मैंने ली थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं ज्वेलरी के ऊपर। तो ये वाला जो लुक है ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि लाइक अगर आपको प्योर गोल्ड ज्वेलरी भी पहननी है, उसमें कोई और कलर नहीं है, सिंपल सी ज्वेलरी पहननी है जिसमें नग वगैरह नहीं है, गोल्डन पॉलिश में भी है, तो उसको भी आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं। क्योंकि पूरा लहंगा जो ब्लैक है, तो आई डिसाइडेड कि मैं इसके साथ जो नेक में पहनूंगी वो गोल्ड में पहनूंगी एंड ईयरिंग जो पहनूंगी वो भी गोल्ड में पहनूंगी। तो मैंने जो सेट पहना था उसके साथ के ईयरिंग्स नहीं पहने थे, ईयरिंग्स मैंने ये वाले पहने थे जो मैं अभी पहन रही हूँ, ये वाले मैंने ईयरिंग्स पहने थे क्योंकि ये लॉन्ग भी थे, मुझको लेंथ में जो ईयरिंग्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने जो नेकलेस था वो थोड़ा सा सिंपल रखा था, बहुत ज़्यादा उसको हैवी नहीं रखा था। तो ये बातों की जो मैंने मतलब रखा था कि जिसमें गोल्ड के अलावा कोई और कलर हो पाए ही नहीं ईयरिंग और स्पेशली नेकलेस में। सो रिसेंटली मैंने एक एथनिक बेल्ट ली थी, मैंने जस्ट एक रिव्यू के लिए बेल्ट ली थी, लेकिन वो मेरी इसके साथ बहुत अच्छी लगी। मैंने दो बेल्ट्स ली थी उस साइट से, मैं उसका रिव्यू कर चुकी हूँ, उसके लिंक वगैरह सबको शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो वो जो बेल्ट ली थी उसमें एक मल्टी कलर वाली बेल्ट थी, एक गोल्डन वाली बेल्ट थी। तो मैंने सबसे ज़्यादा उसमें जो स्टाइल मैंने दोनों लगा के देखी, बट मुझे जो बेस्ट लगी वो थी मल्टी कलर वाली बेल्ट। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो पूरा आउटफिट था ना वो मतलब ब्लैक और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में था, बहुत ज़्यादा गोल्ड हो रहा था, इवन ज्वेलरी भी गोल्ड हो रही थी। तो आई थॉट कि थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं पूरे आउटफिट में, क्योंकि मुझको कलर्स ऐड करना बहुत पसंद है, मुझको एकदम ब्लंट से आउटफिट्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने उसके साथ वो मल्टी कलर और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में बेल्ट है, मैंने उसको वो ऐड करी एंड ट्रस्ट मी वो एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रही थी एक दूसरे को। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम स्टाइल किया था, मैंने उसको विदाउट बेल्ट स्टाइल किया था, यहाँ पे मैं दोनों पिक्चर्स लगा दूँगी, एंड अभी जो मैंने स्टाइल किया उसको मैंने बेल्ट के साथ स्टाइल किया था। तो मतलब उसने ना एकदम गेम चेंजर जिसे बोलते हैं ना, वो एकदम गेम चेंजर हो गया, कम्प्लीट लुक था वो एकदम चेंज हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था। तो अब नेक्स्ट टास्क था कि मैंने उसको ऐड तो कर दिया, लाइक मैंने उसको बेल्ट के साथ उसको ऐड कर दिया, तो अब मुझे बेल्ट के कलर को भी कहीं तो मैचअप करना था। तो उसके लिए मैंने रखी हुई थी ऑप्शन में मल्टी कलर बैंगल्स। ये बैंगल्स मेरी सारी ड्रेस के साथ चल जाती है, मतलब मल्टी कलर गोल्डन के कॉम्बिनेशन में ये बैंगल्स हैं, तो इनको मैंने ये परफेक्टली जा रही है बेल्ट के शेड्स के साथ। तो वो मैंने पहना एंड मेरे पास एक मल्टी कलर में मांगटी का था, वो भी मैंने यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जो मल्टी कलर वाली चीज़ें हुई ये उस बेल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, प्लस जो ज्वेलरी हो गई और जो मेरा लहंगा हो गया उसके गोल्डन कलर को और ब्लैक कलर को बैलेंस कर रहे थे। तो ये सारा आउटफिट रेडी हो गया, फुटवेयर भी मैंने नॉर्मल गोल्डन कलर के ले लिए क्योंकि सारी चीज़ें वही थी। एंड नाउ अब लास्ट में बात करते हैं हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके कंप्लीट लुक को कंप्लीट और ब्यूटीफुल करने के लिए। सो अभी देखते हैं हेयर स्टाइल्स को मैंने कैसे किया था। ये था मेरा जो मैंने बन में लगाया था, लाइक हेयर बैंड कह लूँ क्या कह लूँ, आई रियली डोंट नो। सो इसको मैंने सबसे पहले अपने हेयर को डिवाइड कर लो, जो भी लाइक बीच की मांग निकालते हैं साइड की निकालते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे पोनीटेल, ऐसे बालों को हाथ से पीछे की साइड करते हैं, तो इससे जो आगे की मांग होगी वो छोटी होगी और आपको अगर मांग टीका वगैरह लगाना होगा ना तो वो उस पर आराम से टिक जाएगा, थोड़ा सा उसको स्पेस भी मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया था ये सारा, ऐसे बालों को पीछे कर करके। तो ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ी देर तक करोगे ना तो पूरा एक परफेक्शन सा आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाता है। एंड नाउ आगे से अपने थोड़े से फ्लिक्स आपको जो भी निकालने हैं, मैंने जो करा था मैं वही लुक दिखा रही हूँ, तो मैंने ऐसे आगे से फ्लिक्स निकाले थे सारे, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि फ्लिक्स मेरे ऊपर थोड़े से सूट करते हैं, थोड़ा सा चेहरा हाइड हो जाता है ना तो वो थोड़ा ज़्यादा ही एक अच्छा सा लुक देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने उसमें रबर बैंड ऐड करी पोनीटेल को एक परफेक्ट लुक देने के बाद। एंड यहाँ पे रबर बैंड के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप किसी भी कलर की रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर चली जाएगी तो उसका कलर नहीं दिखेगा। एंड इसको टाइटली लगा लें, लाइक 3 or 4 जितने भी फोल्ड्स आपके बालों में आते हैं उसको अच्छे से टाइटली जैसा आप देख रहे हैं ऐसे लगा लें नीचे की साइड पे। बन जो है थोड़ा नीचे की साइड पे बनाएंगे। एंड नाउ यहाँ पे ये जो बन आता है इसको मैंने ऐसे रबर बैंड की तरह इसके ऊपर लगा लिया है। इसमें भी 3 साइज़ आते हैं, ये मीडियम साइज़ मैंने लिया है, एक छोटा भी आता है एक बड़ा भी आता है, तो मैंने मीडियम साइज़ लिया है और यहाँ मैं छोटा यूज़ करती हूँ। बड़ा वाला वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, तो आप अपने फेस के और अपने बालों के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बालों को जो पोनीटेल है उसको 2 पार्टीशन में करेंगे, आधे को ऊपर करने की करूँगी। एंड इसके बाद मैं ऐसे चारों तरफ फैला रही हूँ कि जो हमने आर्टिफिशियल बन लगा है ना वो पूरा कवर अप हो जाए। एंड नाउ यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक ही रबर बैंड लेना, वैसे छुप जाती है पर ब्लैक थोड़ा है वो ज़्यादा बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, ज़्यादा अच्छे से छिप जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लैक रबर बैंड लगाई, ये बहुत इजीली प्लेस हो जाती है, वह करके देखेंगे तो हो जाएगी। एंड अब सारे बालों को ऐसे इसके चारों तरफ हम राउंड अप कर लेंगे।
तो उसके राउंड अप करने के बाद पूरी इसको फिनिशिंग दे देंगे एंड इसको यहाँ पे जो जूड़ा पिन होती हैं उसकी हेल्प से ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सारी तरीके से उसको अच्छे से पूरा पिन अप कर लेंगे जिससे कि ये जूड़ा हमारा निकले नहीं। एंड नाउ अब बात करते हैं इसकी। यहाँ मैंने ये एक्सेसरी अपनी लगा लिया है इसको एंड यू कैन सी हियर्स मैं नीचे से ना पिन का ऑप्शन दिया होता है, अब साथ में टिका सकते हैं साथ में मुझसे नहीं लगता है तो अब मैं पीछे से इसमें या एंड्स पे पिन लगा लूँगी। दो तीन पिन लगा लें वुड सजेस्ट तो निकलेगा नहीं। एंड ऊपर की साइड भी इसको लेके पिन के बीच में ऐसे पिन लगा लें तो उसका जो पतला वाला पार्ट है ना वो इस पिन के बीच में आ जाएगा तो ब्लैक पिन के ऐसे दिखेगा भी नहीं खास और थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगेगा और टिका भी रहेगा। लास्ट में आप इसको हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करें जिससे कि लॉन्ग टाइम के लिए टिका रहे। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई स्टाइलिंग आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय।